कपिलेश्वर मंदिर। कपिलेश्वर मंदिर मिथिला के मधुबनी जिला में पड़े छे। ई मंदिर देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव के समर्पित छे। मंदिर के बाहर एकटा बहुत बड़ा तालाब छे, जकर पानी के इस्तेमाल सब गोटा शिवलिंग पर जल चढ़ाव में करे छे। ई मंदिर से जुड़ल एकटा बहुत पुराना कहानी छे, जे बहुत लोगन के मालूम नहीं होते। हजारों साल पहले यहाँ पर एकटा ऋषि रहित रहथिन। वो ऋषि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त रहथिन। वो ऋषि के नाम करदम ऋषि रहे। वो ऋषि भगवान शिव की कड़ी तपस्या और ध्यान करते थे, लेकिन उनका ई काम को चलते जल के अभाव रहे। तभी वहाँ चमत्कार मिले, वरुण देव बुद्ध प्रकट भेलखिन और तालाब के निर्माण केलखिन। वो तालाब आजुक वहाँ मौजूद है। सावन के महीना में शिवलिंग पर जल अभिषेक को चलते पूरा बिहार मिथिला से लोग यहाँ पर इकट्ठा होते थे। मंदिर के आजू बाजू का इलाका बहुत बड़ा है और परिसर के बीचों बीच भगवान शिव के मंदिर है और उकर आजू बाजू में पार्वती मंदिर, हनुमान मंदिर और अन्य देवों के भी मंदिर है। ई मंदिर के पवित्र गर्भगृह में भगवान शिव के मधु रंग के लिंग स्थापित है। ई लिंग काला पत्थर पर स्थापित है और ई देखो में अष्टकोणी है। सबसे पहले ई मंदिर भी अष्टकोणी रहे, लेकिन 1944 में आयल भूकंप से मंदिर के बहुत क्षति पहुँचल। ओकर कारण मंदिर के अपन अष्टकोणी रूप खो पड़ल। बाद में डेरों से दरभंगा महाराज ई मंदिर के मरम्मत करबेलखिन और सुंदर बनेलखिन। भगवान शिव मंदिर के उत्तर पश्चिम दिशा में पाटुकी भैरव बाबा के भी एक छोटा सा मंदिर छे। मंदिर के उत्तर पश्चिम दिशा में करीबन 300 फीटक के दूरी पर एक तालाब भी छे। ऐसा कहल जाय छे कि जब ऋषि ध्यान करथिन तो ये तालाब के पानी के इस्तेमाल करत रहथिन भगवान शिव के जल चढ़ाव में। तब ई तालाब छोटा रहे और ई तालाब के निर्माण खुद वरुण देव के लिए। यहाँ पर माता पार्वती के भी मंदिर छे। पश्चिम दिशा में इस पार्वती मंदिर के निर्माण भी दरभंगा महाराज 1935 में करवेलखिन रहे। पार्वती माता के मंदिर भगवान शिव के मंदिर से लगभग 100 फीटक के दूरी पर छे। माता पार्वती के मूर्ति की ऊंचाई 215 फीट छे। पवित्र गर्भगृह के पश्चिम दिशा में भगवान विष्णु के छोटा सा मंदिर छे, जैमे यहाँ के भगवान विष्णु, भगवान गणेश, नंदी और ब्रह्म देव के छोटा छोटा मूर्ति देखो के मिल जाए। वहाँ पर एकटा काला पत्थर भी छे, जै पर की भगवान विष्णु के चरण के प्रतिमा भी अहाँ सबके देखो के मिल। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर भगवान शिव के बड़ा धूमधाम से बारात निकाल जाए। हिंदू धर्म अनुसार माघ महीना के कृष्ण पक्ष में यानी महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर सब लोग पास रखे छथिन। सावन के महीना में यहाँ पर बड़ा मेला लगे छै और सब श्रद्धालु लोग गंगा के जल से शिवलिंग पर जलाभिषेक करे छथिन। ई मंदिर के कुछ विशेषता भी छै। ऐसा कहल जाय छै कि ई मंदिर के तालाब में स्नान करला स्नान के सब पाप नष्ट भ जाय छै और वो इंसान पवित्र बन जाय छै। अगर वीडियो पसंद भेल फॉलो कर लियो, शेयर भी कर दियो, ताकि ई जानकारी सब गोटा तक पहुंच पाए। हर हर महादेव।